दोस्तों, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक स्टार्टर की रेसिपी लेकर आई हूँ। एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसे आलू वाली ब्रेड की चाट भी कह सकते हैं। चलिए स्टार्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो स्लाइसेस ब्रेड के ले लिए हैं। अब इनकी एजेस को हल्का सा ट्रिम कर दें। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा कट कर दें। इसको स्क्वायर करने के लिए हम इसे थोड़ा ज्यादा कट करेंगे। इसको मैंने ट्रिम कर दिया है, अब इसके स्क्वायर्स कट कर लें। इसी तरह से इस ब्रेड के भी स्क्वायर्स कट करें। दोस्तों, ये सारे स्क्वायर्स मैंने बना लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस की फ्लेम पर मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस पर वन बाई वन ये स्क्वायर्स रखेंगे। इन सभी स्क्वायर्स पे थोड़ा सा प्योर घी लगाएं। इसे आप प्योर घी से ही सेकें, क्योंकि प्योर घी से सेकने से ये काफी क्रिस्पी एंड क्रंची बनते हैं। ट्रेडिशनली ब्रेड को फ्राई करके बनाते हैं। आप चाहें तो ब्रेड को ऑयल या घी में फ्राई भी कर सकते हैं। स्क्वायर्स को पलट दें। इससे कि ये घी की साइड से अच्छी तरह से सेक जाएं। मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेकें। आप चाहें तो इस साइड भी घी लगा सकते हैं, बट मैं इसे कम घी तेल का बना रही हूँ, इसलिए मैंने इस साइड में घी नहीं लगाया है, बस एक ही साइड में लगाया है। अब इन्हें पलट कर देखेंगे कि ये सिके हैं कि नहीं। ये देखिए, थोड़ा सा सिक गए हैं। स्क्वायर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दें, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएं। पलट कर इन्हें लो फ्लेम पर सेक लें। यहाँ मैंने दो बड़े साइज के आलू उबाल कर लिए हैं और इनका छिलका हटा लिया है। अब इनको भी स्क्वायर पीसेस में कट करेंगे। इस तरह से इसको प्लेन करें। अब आलू को स्लाइस में कट करें। ये देखिए, आलू को मैंने इस तरह से थोड़ा थिक बनाया है। इसी तरह से दूसरे आलू को भी कट कर लें। तवे पर ये आलू भी सिकने के लिए रख दें। आलूओं पे हल्का सा नमक स्प्रेड करें। थोड़ा सा सिक जाने से आलूओं का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। आप चाहें तो इन्हें बिना सिके भी यूज कर सकते हैं। स्क्वायर्स भी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गए हैं। ये देखिए, इनको एक प्लेट में निकाल लें। स्क्वायर्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। चाहे तो थोड़ा सा घी इस पर लगा दें। बिल्कुल हल्का सा घी मैंने लगाया है। एक बार पलट दें। अब फ्लेम को ऑफ कर दें और ये जो आलू के पीसेस बचे हैं, इनकी हम सब्जी बना सकते हैं। ये मैंने ब्रेड स्क्वायर्स ले लिए हैं, ये पोटैटो स्क्वायर्स ले लिए हैं। इसके लिए हम इमली की खट्टी मीठी चटनी लेंगे। साथ ही ये मैंने गाढ़ी दही ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला के रखा है। और ये हरी चटनी ली है। अब इन सारी चीजों को असेंबल करेंगे। थोड़ी ये मैंने लाल अदरक ली है, यानी कि अदरक में नींबू और नमक लगाकर इसे लाल कर लिया है। इसका यूज हम गार्निशिंग के लिए करेंगे। यहाँ मैंने एक सर्विंग प्लेट ले ली है, इसमें ये ब्रेड स्क्वायर्स अरेंज करेंगे। इस पर पोटैटो स्क्वायर्स अरेंज करें। ये दही लेकर थोड़ी थोड़ी दही इन पर डाल दें। अब इस पर इमली की खट्टी मीठी चटनी डालें। चटनी आप स्वाद अनुसार डालें। अब हरी धनिया की ताजी पिसी हुई चटनी डालें। थोड़े सेब या भुजिया डालें। अभी लाल अदरक डालें। इससे ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आपके पास अनार के दाने हैं तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डालें। तैयार है ये आलू वाली ब्रेड स्टार्टर। आप अपनी किटी पार्टी में इसे बनाकर सर्व करें। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। हाँ, सभी चीजों को सर्विंग के टाइम ही असेंबल करें। पहले से इसकी प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो घंटी आएगी उसे दबाने से मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।